राजधानी जयपुर जिले की शास्त्री नगर थाना पुलिस ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस टीम ने दो अंतर्राज्यीय लुटेरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए आरोपियों का नाम मोहम्मद समद उर्फ लोरा और मोहम्मद समीम उर्फ छोटिया है। फिलहाल इनसे पुलिस की पूछताछ जारी है। बता दें कि यह आरोपी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से जयपुर में आकर महिलाओं के पर्स व मोबाइल लूट की वारदात को अंजाम देते थे, जिनकी पुलिस को काफी समय से तलाश थी। पुलिस ने इन्हें मुखबिर की सूचना व सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पहचान कर धर दबोचा है। कार्रवाई के दौरान पुलिस टीम को इन आरोपियों के पास से लूट में प्रयुक्त बाइक, दो मोबाइल, एक सोने की चेन, एक चांदी का लॉकेट और 2000 रुपये नगद बरामद किए हैं। आपको बता दें कि डीसीपी नॉर्थ जयपुर परेश देशमुख के निर्देशन में शास्त्री नगर थाना अधिकारी दिलीप सिंह शेखावत के नेतृत्व में उनकी टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस कार्रवाई में मुख्य भूमिका हेड कांस्टेबल अर्जुन लाल की रही है।